दोस्तों, मैं सूरज सर आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ एक नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, जैसा कि आप थंबनेल में देखे हैं, FY BA और SY BA स्टूडेंट ऑनलाइन जो एग्जाम होने वाला है उनका भी टाइम टेबल आ चुका है। और दोस्तों, कुछ टाइम पहले ही मैंने FY BCOM और SY BCOM ऑनलाइन एग्जाम टाइम टेबल के रिलेटेड वीडियो बना दिया है। अगर आप FY BCOM और SY BCOM के स्टूडेंट हैं तो उस वीडियो को जाके जरूर देखना, या तो वीडियो के एंड में या तो इस आई बटन में आप लोगों को ये वीडियो मिल जाएगा। इस वीडियो में जो मैं बात करने वाला हूँ वो FY BA स्टूडेंट और SY BA स्टूडेंट के टाइम टेबल को लेके। और काफी बार मैंने ये नोटिस किया है कि FY और SY BA के स्टूडेंट सब्जेक्ट में काफी कंफ्यूज होते हैं कि सर हमारा जो सब्जेक्ट है वो ऊपर के डेट में भी दिखा रहा है, नीचे के भी डेट में दिखा रहा है, मतलब दो दो डेट में दिखा रहा है, तो हमारा एक्चुअली एग्जाम कब है। तो इस कंफ्यूजन को भी दोस्तों इस वीडियो में सॉल्व करने वाला हूँ। अगर जितने भी नए दोस्त मेरे इस चैनल पे जुड़ रहे, नए स्टूडेंट इस चैनल पे जुड़ रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहली बात FY BA स्टूडेंट के बारे में बता दूं कि ये जो FY BA का जो टाइम टेबल आया है एनुअल पैटर्न है, लेकिन रिपीटर स्टूडेंट के लिए, ये फ्रेशर स्टूडेंट के लिए नहीं है। दो तीन बात इंपॉर्टेंट है वो आपको क्लियर कर दूं कि इस बार 50 MCQs आने वाला है 50 मार्क्स के लिए। ऑल क्वेश्चन कंपलसरी आप लोगों को अटेंड करना है। आप अपना एग्जाम स्मार्टफोन, लैपटॉप, टैब, डेस्कटॉप जिससे भी देना चाहे आप दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ ही साथ तीन इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। दोस्तों, पहला इंस्ट्रक्शन है कि आप लोगों का एग्जाम मॉर्निंग 9 से लेके 6 बजे के बीच में कंडक्ट करवाया जाएगा। आप कोई भी 1 घंटा आपका निकाल के आप अपना एग्जाम दे सकते हो। मॉर्निंग 9 to 6 तक का एग्जाम मुंबई यूनिवर्सिटी के तरफ से कंडक्ट करवाया है। दूसरा, उन्होंने बोला कि कोई भी 1 घंटा आप अपना एग्जाम 9 से 6 के बीच में दे सकते हो। तीसरा जो काफी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है दोस्तों, वो ये है कि अगर आप जो 6 बजे का स्लॉट है लास्ट का, मतलब 5 to 6, लेकिन अगर आपने 5:30 को एग्जाम चालू किया तो दोस्तों मुंबई यूनिवर्सिटी से वो एग्जाम 6 बजे खत्म हो जाएगा, बिकॉज 6 बजे के आगे का कोई भी स्लॉट है नहीं। तो अगर आप 5:30 पे एग्जाम चालू करते हो तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, मुंबई यूनिवर्सिटी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, उनकी कोई गारंटी नहीं है उस हाफ एन आवर को लेके। अब बात आता है FY BA जो रिपीटर स्टूडेंट है, जो ATKT स्टूडेंट है, उनका मॉक टेस्ट कब होने वाला है। तो दोस्तों, उनका मॉक टेस्ट 14 से लेके 16 मई तक का होने वाला है। 24 आवर्स आप कोई भी 1 घंटा सिलेक्ट कर सकते हो। देन दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात आ जाती है टाइम टेबल को लेके। दोस्तों, इधर भी बता देते, तो ये रिपीटर स्टूडेंट के लिए है। 18 मई से टाइम टेबल चालू हो रहा है, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है। टाइमिंग सभी एग्जाम का 9 बजे से लेकर 6 बजे का ही है, सभी सभी सब्जेक्ट का एग्जाम का टाइमिंग वही है, ठीक है। तो 18 तारीख को आपको कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश में है। 19 मई को दोस्तों आप लोगों का लैंग्वेज सब्जेक्ट है मराठी, उर्दू, हिंदी एंड फ्रांस। देन 20 मई 2020-21 टाइमिंग आपको मैंने बोल दिया, उसमें FCA फाउंडेशन कोर्स का। और दोस्तों, आप लोगों को अगर इसके रिलेटेड MCQs चाहिए जो FY BA और SY BA, तो दोस्तों मेरे वेबसाइट पे चले जाइए और मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, जो डिस्क्रिप्शन में ही लिंक दिया हुआ है, आपको MCQs भी मिल जाएगा। तो दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और दोस्तों देखते हैं कि 21 को फ्राइडे के दिन, ठीक है, सेम टाइमिंग पे कौन कौन से सब्जेक्ट है। दोस्तों, सबसे पहले आपको इधर दिख रहा होगा इंग्लिश, मराठी, उर्दू, हिंदी, ठीक है, फ्रांस, ये आप लोगों का लैंग्वेज सब्जेक्ट है। देन फिर साइकोलॉजिकल, ठीक है, इकोनॉमिक, हिस्ट्री, सोशल साइंस, जो भी आप दोस्तों इधर देख सकते हैं, सोशियोलॉजी है, ज्योग्राफी है, कॉमर्स है, रूरल डेवलपमेंट पेपर 1 है ना। दोस्तों, अभी आपको कंफ्यूजन होगा, देखो कैसे कि मैं नीचे आपको बताता हूँ। 21 के एग्जाम के बाद दोस्तों आप लोगों का एग्जाम है 24 को, और 24 को दोस्तों जो आप लोगों को पेपर दिया गया, फिर से लैंग्वेज आ गया, मराठी, उर्दू, हिंदी, फ्रांस, ठीक है, फिर वही आपका साइकोलॉजिकल, ठीक है, इकोनॉमिक, हिस्ट्री, सोशल साइंस, ठीक है, सोशियोलॉजी पेपर 1, पॉलिटिक्स साइंस, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफिकल, ठीक है, यही आपके सब जो सब्जेक्ट है। अब कंफ्यूजन इस बात पे यही आता है कि सर इधर भी साइकोलॉजिकल दिया हुआ है, ऊपर भी दिया हुआ है, इधर भी पॉलिटिक्स साइंस है, उधर भी, इधर भी ज्योग्राफी है, उधर भी ज्योग्राफी, इधर भी कॉमर्स, उधर भी कॉमर्स, तो सर हमारा कौन सा है। तो दोस्तों, आप लोगों को बता देता हूँ,
ठीक है, पहले तो ये पूरा पेपर खत्म कर देता हूँ कि कौन सा भी और आपका एग्जाम बचा है। लास्ट एग्जाम दोस्तों आपका 25 तारीख को है। सेम जो ऊपर आपने सब्जेक्ट देखा है वही सब ऊपर से लेके पूरा नीचे तक आ जाता है, इधर एजुकेशन पेपर वन आ जाता है। ठीक है, अब आपको आपका सब्जेक्ट कैसे पहचाना है दोस्तों, आपको पूरा टाइम टेबल दिख रहा है जो मैं स्क्रीन पे आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ठीक है, 24 तारीख का, 25 तारीख का। ठीक है, अब दोस्तों आपको सिर्फ एक ही काम करना है, आपने जब मुंबई यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिलअप किया था, आपने जब अपना सब्जेक्ट सिलेक्ट किया था, उस सब्जेक्ट में ही आपका कोड नंबर दिया हुआ है, आपके पेपर का कोड नंबर दिया हुआ है। ये देखिए, पेपर कोड से आपको पहचानना है कि आपका कौन से दिन कौन सा पेपर है। तो ये जो डाउट मेजोरिटी लोगों को था वो आज के दिन में आप लोगों को सॉल्व कर दिया कि आपको आपके पेपर कोड से पहचानना है कि आपका सब्जेक्ट कौन से दिन पे कौन सा एग्जाम है। अब इसी तरीके से बात करते हैं SY BA स्टूडेंट के लिए। तो ये भी स्टूडेंट के लिए, फ्रेशर प्लस रिपीटर स्टूडेंट दोनों के लिए, FY सिर्फ रिपीटर के लिए था और SY BA के लिए फ्रेशर और रिपीटर दोनों स्टूडेंट के लिए, इनके लिए भी सेम इंस्ट्रक्शन है कि भाई 50 क्वेश्चन आएंगे जो 50 मार्क्स के लेंगे, ऑल क्वेश्चन कंपलसरी आप लोगों को अटेंड करना है। आप किसी से भी एग्जाम दे सकते हो, लैपटॉप मोबाइल जो भी आपके पास इक्विपमेंट हो आप उससे दे सकते हो। देन आपके लिए भी सेम इंस्ट्रक्शन है कि भाई सुबह 9 बजे से लेकर 6 बजे तक के बीच में पेपर होगा, आप इन 6 से लेकर 9 के बीच में कोई भी एक घंटे आप चॉइस करके आप सभी सब्जेक्ट का आपका एग्जाम दे सकते हो। अगर आपने भी लास्ट मोमेंट में 5:30 को एग्जाम चालू किया, 6 बजे एग्जाम खत्म हो जाएगा, सिर्फ आपको 30 मिनट मिलेगा, वो 30 मिनट की रिस्पॉन्सिबिलिटी दोस्तों आपकी होगी, यूनिवर्सिटी की नहीं होगी। SY BA के स्टूडेंट का मॉक टेस्ट जो है दोस्तों 15 तारीख से लेकर 17 मई तक का कंडक्ट करवाया जाएगा, 24 आवर, मतलब रात को 2 बजे भी दोस्तों आप एग्जाम दे सकते हो अपने मॉक टेस्ट का। और ये मॉक टेस्ट जनरल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ये आपके सिलेबस बेस्ड नहीं होते हैं। ठीक है, देन दोस्तों हम आगे चले जाते हैं। आपका एग्जाम जो SY BA के स्टूडेंट है इनका एग्जाम 19 मई से चालू हो रहा है, चाहे वो रिपीटर हो या फ्रेशर हो। टाइमिंग सभी का सेम है, 9 से लेके 6 का स्लॉट है, तो टाइमिंग में नहीं बताऊंगा। सबसे पहला पेपर इनका भी फाउंडेशन कोर्स है, पेपर 2 है। देन 20 तारीख को दोस्तों बिजनेस कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म, एडवर्टाइजिंग। दोस्तों आप SY BA के स्टूडेंट को भी बोलूंगा, अगर आपको भी MCQ चाहिए तो आपको मेरे वेबसाइट पे मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। साथ ही साथ टेलीग्राम पे भी मैं MCQ डालता रहता हूँ, उधर भी काफी MCQ आपको मिल जाएंगे। तो जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, सूरज पटेल और मुंबई यूनिवर्सिटी को आपको करना है। साथ ही साथ अगर आप FY के तो FY, SY के हो तो SY, जिस स्टैंडर्ड के आप उस स्टैंडर्ड के लिंक पे क्लिक करके आप ज्वाइन हो जाइए। देन दोस्तों हम नीचे चले जाते हैं और नीचे देख लेते हैं और कौन से सब्जेक्ट है। तो इंग्लिश है, मराठी है, 21 को दोस्तों आपके लैंग्वेज सब्जेक्ट आ जाते हैं, इंग्लिश, मराठी, उर्दू, हिंदी, ठीक है, साइकोलॉजी, ठीक है, फिलोसॉफी, इकोनॉमिक, हिस्ट्री, साइकोलॉजी का पेपर 2, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, कॉमर्स, रूरल डेवलपमेंट, ये आपके सब्जेक्ट है दोस्तों। यही सेम सब्जेक्ट आपको नीचे भी मिल जाएंगे, जो तारीख है 24 को, मतलब 2-3 दिन का गैप दिया हुआ है। यही कहूंगा कि आपको आपका पेपर कोड नंबर से ही पहचानना है, ठीक है। उधर पेपर 2 थे, इधर पेपर 3 है, तो आपको आप अपना सब्जेक्ट देख लीजिए दोस्तों, ठीक है, वही सेम नाम है, इसके लिए मैं दोहरा नहीं रहा हूँ। हाँ, लेकिन मैं आप लोगों को स्क्रीन पे इसलिए दिखा दे रहा हूँ कि आप अच्छे से देख सकते हो, और हो सका तो इसके रिलेटेड इसका लिंक भी मैं आपको मेरे आर्टिकल में दे दूंगा वेबसाइट पे, जहां मैं आपको MCQs के लिए बोल रहा हूँ। तो दोस्तों बस इतना ही था आप लोगों का टाइम टेबल, आई होप कि आपका डाउट एकदम क्लियर हुआ होगा। हाँ, मैं नीचे दिखा देता हूँ, सॉरी और भी है। 25 के बाद दोस्तों 27 को है, ठीक है, 27 को भी सेम टाइम है, और ये सब सब्जेक्ट है, मराठी, उर्दू, हिंदी, साइकोलॉजी, ठीक है, अपना फिलोसॉफी, हिस्ट्री, साइकोलॉजिकल पेपर 3, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, कॉमर्स, रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, 27 को था दोस्तों। 27 के बाद दोस्तों आपका फिर से पेपर जो आता है वो 28 को आता है, सेम सब्जेक्ट वही दोहरा दिया गया है, सिर्फ आप देख लेना इधर एजुकेशन पेपर 2 आ जा रहा है, आपका कौन सा कोड है। देन 28 के बाद दोस्तों आपका जो फाइनल पेपर है वो 31 मई के दिन है, लास्ट पेपर आपका 31 मई है, और ये सब आपके सब्जेक्ट है, हिंदी, इंग्लिश, अपना उर्दू, मराठी, साइकोलॉजी पेपर 3, अपना फिलोसॉफी पेपर 3, इकोनॉमिक, हिस्ट्री पेपर, साइकोलॉजिकल पेपर 3, सोशोलॉजी, ठीक है, देन बाद में पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, कॉमर्स, रूरल डेवलपमेंट, तो ये सब आपके पेपर है, आपको कोडिंग से ही पहचानना है।
तो आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। फिर से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, जय हिंद जय भारत दोस्तों।